brothers and sisters, and all of you who are listening today's Bible study. और आप सभी को, सभी भाई बहनों को जय मसीह की, और उन सभी को जो इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हुए हैं या आज की शाम देख रहे हैं. This is the third lesson. और ये तीसरी शिक्षा है. In the first lesson we talked about different kinds of love. और हमारी पहली शिक्षा में हमने बात किया कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रेम हैं. And we have highlighted the supreme love, which is God's love, agape love. और हमने अगापे प्रेम के विषय में, जो सबसे उच्चतम प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसके विषय को हमने आगे बढ़ चढ़कर उस पर बात करी. And in our second lesson, last Wednesday, we talked about the superior quality of life is love, and that was the first lesson. And then we talked about the superior quality of life. और उसके पश्चात हमने बात किया कि प्रेम के उच्चतम गुण क्या है, और हमने देखा कि प्रेम है और कैसे उस प्रेम के सबसे उत्तम या सबसे उच्च कोटि के जो गुण हैं, और वो तोहफे या वरदान नहीं है, लेकिन वो प्रेम है. और वही हमारा पिछला शिक्षा थी हमारे बुधवार के दिन. और आज की शाम हम बात करेंगे प्रेम के विषय में, जो दूसरी बात है. और जो दूसरी बात है प्रेम के विषय में, वो ये है प्रेम के कार्य. और इसके लिए हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 14 वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़ेंगे. और समय बचाने के लिए मैं सीधा इसे आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है. आमीन. May the Holy Spirit inspire our own life and anoint us with the knowledge of what the acts of love is. होने दे पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमारे मन को प्रकाशन करे, ताकि हम सच में इस बात को समझने पाएं कि प्रेम के कार्य है क्या. और आपने अभी इस वचन के भाग में से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए सुना है. और जो बातें इन चार वचनों में दी गई हैं, वो प्रेम के अपने कार्य हैं. और ये चार बातें क्या हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस विषय में सोचना. It explains the very behavior or the very way a person is to live among the people and with the people. और ये इस विषय में बात करता है कि कैसे एक व्यक्ति को एक समाज या लोगों के बीच में रहना है, या उनके बीच कैसा बर्ताव या स्वभाव रखना है. In life, we are to live among and with the people. और जीवन में हमें लोगों के बीच और लोगों के संग रहना है. And that's the way God meant us to be. और इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया है. We are created by our loving creator as social people. और हमारे प्रेमी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें सामाजिक प्राणियों के रूप में बनाया है. It means we need each other. इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है. And so we must live with the people of the same kind. और हमें इसलिए अपने ही जैसे लोगों के संग जीना है. The world is full of people. और ये संसार लोगों से भरा हुआ है. Wherever you go. और जहां कहीं पर भी आप जाएंगे. And a person has to live with people and among the people. और एक व्यक्ति को लोगों के संग और लोगों के साथ रहना है. We are moving and
और हम लोगों के संग और लोगों के बीच चलते और रहते हैं। And as you know, without loving others, we cannot enjoy life. और जैसा कि आप जानते हैं, बिना दूसरों से प्रेम किए हम जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। You know, life is to be enjoyed. और जीवन इसलिए है कि हम उसका आनंद उठा सके। And therefore we need to practice all the acts of love in order to enjoy life in its fullness and in its meaning. और हमें जीवन के जो पल हैं उनका आनंद उठाना है, ताकि हम जीवन को उसकी पूरी पूर्णता और अर्थ में आनंद के संग समझ सके। और सृष्टि में परमेश्वर ने हर एक बात को बनाया, उसने जीवित जंतुओं को बनाया और सैकड़ों हजारों की संख्या में वो जंतु पाए जाते हैं। और वहाँ जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं। और जो रहने वाले समुद्र में प्राणी हैं, उनके विषय में सोचिए, या जंगलों में रहने वाले। और वो इस प्रकार कहते हैं कि जिससे ज्यादा जो प्राणी भूमि पर पाए जाते हैं, उससे कई ज्यादा जंतु और प्राणी उस समुद्र या पानी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मानव या मनुष्य बहुत खास है, क्योंकि उसके जैसा कोई जीवित प्राणी है ही नहीं। वो किसी जानवर के समान नहीं है। और इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, संसार लोगों से भरा हुआ है। जहां कहीं पर भी आप जाएं, We are moving and living with and among people. हम लोगों के संग चलते हैं, उनके बीच में रहते हैं। And without loving others, और बिना दूसरों से प्रेम रखे, We cannot enjoy life in its fullness and in its full meaning. हम जीवन को उसके पूर्ण अर्थ और उसके पूरे अनुभव में आनंद नहीं ले सकते। And therefore, और इसलिए, as we have read in these four verses, जैसा हमने इन चार वचन में पढ़ा है, the acts of love, प्रेम के कार्य, we need to practice all the acts of love in order to enjoy life in its fullness. हमें उन प्रेम के सभी कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करना है, लागू करना है, ताकि हम जीवन का पूर्ण रीति से आनंद उठा सके। So let us look very, very briefly into the acts of love explained in this. और आइए बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े आसानी से हम उस प्रेम के कार्यों की ओर जो सुवचन में लिखे हैं हम मनन करेंगे। There are about 15 acts of love mentioned in और 15 प्रेम के कार्य यहाँ पर लिखे गए हैं। And we shall look into it each one. और एक एक करके हम इनकी ओर जाएंगे। Today we will consider 7 of them. आज की अध्ययन के लिए हम 7 उन कार्यों को देखेंगे। And 8 of them we'll consider the और बचे हुए 8 को हम अपने अगले बुधवार के अध्ययन में या शिक्षा में मनन करेंगे। पहला कार्य कि प्रेम धीरजवंत है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेम है वो लोगों के संग कष्ट और दुख उठाता है। याद रखिए, हम लोगों के बीच और उनके संग रहते हैं। और जहां कहीं पर भी जीवित लोग पाए जाते हैं और दूसरों के संग जीते हुए, तब लड़ाइयां होना अनिवार्य हैं। और ये ऐसी परिस्थिति है जिसको नहीं रोका जा सकता। और क्यों लोगों के बीच मन मुटाव या झगड़े हैं? क्योंकि हम जीवित लोगों के संग बात करते हैं या काम कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व में अलग है। और मैं कुछ चीजों को पसंद करता हूँ जो हो सकता है किसी और को पसंद ना आए, क्योंकि लोग दूसरे स्वभाव के हैं। The word patient always refers to being patient with people,
not with circumstances. और जो शब्द धीरजवंत है उसका जो प्रयोग किया गया वो हमेशा से लोगों के लिए किया गया है कि लोगों के संग हम धीरज बनाए रखे ना कि परिस्थितियों के साथ. And it, here it says, और यहाँ पर ये लिखा है love is patient and suffers a long, long time. और प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. No matter the evil and injury done by a person. ये मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति ने क्या बुरा किया या क्या चोट पहुंचाई है. No matter the neglect or ignoring by a loved one. और ये भी मायने नहीं रखता कि एक प्रेम करने वाले व्यक्ति ने कितना आपका तिरस्कार किया या आपसे बातचीत नहीं किया. In our natural sense, हमारे स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वभाव में very impatient with such people. हम ऐसे लोगों के संग बहुत कम धीरज रखते हैं. But the acts of love, लेकिन जो प्रेम के कार्य हैं, that love is patient, वह प्रेम जो है वो धीरजवंत है और लंबे समय तक उस धीरज को बनाए रखता है और बिना किसी ठेस या चोट पहुंचाए या बिना किसी क्रोध के या बदला लेने के भावना के. Love controls itself in order to win the person. और प्रेम अपने आप को नियंत्रित करता है ताकि वो एक दूसरे व्यक्ति को उस प्रेम के द्वारा जीतने पाए और ताकि उसकी सहायता करने पाए कि वो जिए, सेवा करे और काम करने पाए. And that's the way a person must live. और इसी तरीके से एक व्यक्ति को जीना है. This is God's love. और यही परमेश्वर का प्रेम है. What a great quality is love. और कितना महान गुण है ये प्रेम का. You know, remember the disciples' question. और चेलों के सवाल को याद करिए. Disciple asked this question to Jesus. और चेलों ने ये सवाल यीशु से पूछा. कि हे प्रभु, एक को कितनी बार किसी दूसरे को क्षमा करना है. तब यीशु का क्या उत्तर था? 70 times. सात बार, 70 गुना और उसका गुणा 7 बार. Now remember, there the language is, और याद रखिए वहां पर जो भाषा है, one has to forgive the same person 490 times per day. और वहां पर जो भाषा प्रयोग किया गया उसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को कम से कम उसी दिन 490 बार क्षमा करना है. 770 times. और 7 बार 70. Jesus is saying, there is no limit. और यीशु कहता है कि कोई सीमा नहीं है क्षमा करने की. If 25 times a person offended, और अगर 25 बार एक व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है in a day, the same person, और वही व्यक्ति and each time he comes back and asks you to forgive. और हर बार वो आता है और आपसे क्षमा मांगता है. According to Jesus, forgive. यीशु के अनुसार उसे क्षमा करते and lovingly forgive. और प्रेम के साथ क्षमा करते. And it is very important. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है. In order to enjoy the fullness of life, because we cannot make life possible without others. ताकि हम जीवन का बहुतायत से आनंद ले सके, ताकि क्योंकि हम जीवन बिना दूसरे लोगों के जी नहीं सकते. So let us read a few verses. आइए कुछ वचनों को हम पढ़ें. Galatians chapter 5 verse 22. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन. Now, what does it say? 5:22. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. कि आत्मा का जो फल है वो याद करिए, याद रखिए, वो प्रेम है. और उसी प्रेम पर हर एक दूसरी बात बनाई गई है. मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं, और जब ये प्रेम हमारे भीतर काम करता है, you will do a great service for mankind. तब आप मानव जाति के लिए एक महान सेवा को करेंगे. Then in Colossians chapter 1, verse 11 says, और कुलूसियों की पत्री उसका 1वां अध्याय 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है,
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आइए हम परमेश्वर के वचन को पालन करें। और दूसरा तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय और दूसरा वचन, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लहना दे और डांट और समझा। Proclaim the message, persist in it, whether convenient or not. Rebuke, correct, and encourage with great patience and teaching. Love is patient. और याद रखिए, प्रेम धीरजवंत है। So remember these verses. इन वचनों को याद रखिए। All three verses talk about being patient. और याद रखिए, तीनों वचन बात करते हैं धीरज रखने के लिए। And the second thing about love. और जो दूसरा काम है प्रेम का, कि प्रेम नम्र है। It means courteous. इसका मतलब है कि वो विनम्र है या भलाई करने वाला। Or be good. इसका मतलब है अच्छा and helpful. या स्वास्थ्यपूर्ण and useful. और उपयोगी। Giving, showing and showering favors. और ऐसा प्रेम जो दिखाता और देता है अनुग्रह को दूसरे लोगों को। Expressions of such love. और ऐसे प्रेम को दिखाने के जो भाव हैं, love is kind. वो वैसा प्रेम नम्र है। Love does not resent evil. और याद रखिए कि जो प्रेम है वो बुराई के प्रति उत्तर नहीं देता। But does not entertain hurt and neglect. और तिरस्कार या चोट को स्वागत नहीं करता। और प्रेम जो है नम्रता में सबके पास पहुंचता है और सहायता करने में और देने में और अति देने में और अनुग्रह देने में और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप को चोट पहुंचाता है या अपना ही तिरस्कार करता है। और इसलिए धीरजवंत रहें। In other words, दूसरे शब्दों में, it is always love that comes to the forefront. ये प्रेम ही है जो सबसे सामने आता है। Romans chapter 12 verse 10. रोमियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 10वां वचन। भाईचारे से के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। रोमियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 10वां वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। Show family affection to one another with brotherly love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। In other words, wherever we live, among and with whomever you live. और इसका मतलब ये है कि जिस किसी के साथ और जहां कहीं पर भी आप रहें, you'll have to treat them as your own family. तब आपको उनको अपने परिवार के रूप में व्यवहार करना होगा। That is how you are able to show brotherly love. और इसी तरीके से आप एक प्रेम को, भाईचारे के प्रेम को दिखा सकते हैं। Then Ephesians chapter 4, verse 32. और इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय और 32वां वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। And be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ.
That's the way we treat our family members. और इसी तरीके से हम परिवार के लोगों के संग व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में, the planet Earth has been given to humanity. ये जो पृथ्वी है, ग्रह, ये ह्यूमन या मानव जाति को दिया गया है। There are about 6 continents. और लगभग 6 महाद्वीप हैं। And nearly 250-60 countries. और लगभग 250 या 260 देश हैं। And wherever we live, और जहां कहीं पर भी हम जीते हैं, हम लोगों के संग जीते हैं। And in other words, या दूसरे शब्दों में, all are members of the entire humanity. हम सब पूरी मानव जाति के भाग हैं। We can say the entire humanity is a huge, big family. हम ये कह सकते हैं कि पूरी मानव जाति एक बड़ा परिवार है। So, some may speak a different language. हो सकता है कुछ अलग भाषाओं को बोलें, उनके अलग संस्कृति हो सकती है, उनका खाने का तरीका अलग है, रंग अलग हो सकता है। और हाँ, बाहर से दिखने में ये अंतर तो है, लेकिन फिर भी हम सब पूरी मानव जाति के सदस्य हैं। And we need to exercise that love. Now, remember, this love that we are learning about is agape. और याद रखिए, प्रेम जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, ये अगापे प्रेम है। Agape, only agape love can exercise these qualities that I am mentioning. और सिर्फ अगापे प्रेम ही है जो इन गुणों को हमारे अंदर ला सकता है। किसी प्रकार की चोट को नहीं रखता और उसके विषय में बात करते रहे और उसके लिए मन में कड़वाहट लाए, ऐसा नहीं करता। लेकिन आप धीरज रखते हैं और धीरज में इंतजार करते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिश। तीसरा कार्य कि प्रेम ढा नहीं करता। इसका मतलब ये है कि प्रेम जलन नहीं रखता या किसी प्रकार से डेह या शत्रुता नहीं रखता। और हो सकता है कुछ के पास खास गुण और खास योग्यताएं हों, या उनके पास स्थान या उपाधियां हों, और ज्यादा मित्र और उच्च कोटि के दोस्त, और इसलिए जहाँ कहीं वो जाए वो पहचाने जाते हैं, और उनके पास बहुत ज्यादा वस्तुएं मौजूद हैं और प्रसिद्धि है, और हो सकता है बहुत सफल व्यक्ति हो। When you see these things in someone else, और अगर आप इन बातों को किसी के अंदर देखते हैं, there should be no feeling of jealousy. तब किसी भी प्रकार से जलन की भावना आपके भीतर नहीं आना चाहिए। On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर rejoice with that person who is rejoicing because of these. उस व्यक्ति के संग आप आनंद मनाइए जो इन आशीषों के कारण आनंदित है। And which love can do it? और किस प्रकार का प्रेम ये कर सकता है? Not human love. मनुष्य का प्रेम नहीं, क्योंकि मानवीय प्रेम या मनुष्य का प्रेम तो जलन से भरा है। और हम किसी के प्रसिद्धि या उपलब्धियों में खुश नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि प्रेम कभी ढा या शत्रुता नहीं रखता। आप दूसरों की सफलता को देखते हैं और किसी की प्रसिद्धि को देखते हैं और अच्छे मित्र जो उसके पास हैं, और हम कहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। Of only such a person who carries on with that agape. और वो ऐसे गुण एक ऐसे ही व्यक्ति के पास दिख सकते हैं जो अगापे प्रेम को संग लेकर के चलता है। Read again Galatians chapter 5 verse 26. गलातियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 26वां वचन,
कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान में शुद्ध करके पवित्र बनाए। 526 क्षमा करिएगा, पांचवा अध्याय 26वां वचन, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढाह करें। We must not become conceited, provoking one another, envying one another. And we are no greater than anybody else. और हम किसी से बढ़कर नहीं हैं। The greatness is measured not by the dress you wear and the car you drive and the friends you have. Greatness is an inner quality. Only the Holy Spirit can make you great. और महानता इन बातों से नहीं मापी जाती कि आपके पास कैसे कपड़े हैं, कौन सी गाड़ी से आप चलते हैं, कैसा घर है, लेकिन इन बातों से नापी जाती है कि पवित्र आत्मा ने आपके भीतर क्या काम किया है। हो सकता है आप में से इनमें से कोई भी आशीष आपके पास ना हो, and yet when you are in the company of such a person, you just rejoice with him for all the blessing. लेकिन फिर भी जब आप एक ऐसे व्यक्ति के पास के साथ होते हैं जिसके पास ये सारी आशीष है, आप उसकी आशीषों में उसके संग आनंदित हो जाते हैं। And such a person will have very many friends. और ऐसे व्यक्ति के पास कई सारे मित्र होंगे। I heard about a man who lived all alone in a small town. और मैंने एक मनुष्य के विषय में सुना जो एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। और वो अकेला रहता था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक उस छोटे गांव में हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वो पहला वो व्यक्ति होगा अगर गांव में किसी के भी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वो वहां पहुंच जाएगा, या कोई शादी हो, और ये मायने नहीं रखता था कि काम कौन सा हो, लेकिन वो वहां पहुंच जाएगा ताकि लोगों को आशीषित कर सके इन खास मौकों पर। कोई बीमारी, तब वो पहला व्यक्ति होगा जो जाएगा और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा और उसको उसके संग बैठेगा, समय बिताएगा। और हर कोई इस व्यक्ति के संग मित्र बन गया। In that same city they lived the richest man. और उसी नगर में एक सबसे धनवान व्यक्ति रहता था। And this poor man died. और ये गरीब व्यक्ति मर गया। You know, for his funeral. और उसके दफनाए जाने के लिए तब पूरा शहर, वो पूरा गांव उसके उस दफनाए जाने की सभा में मौजूद था। There were tears and there were weeping. और वहां पर आंसू और रोना था। And after a few days, the richest man also और कुछ दिनों के बाद वो सबसे धनवान व्यक्ति भी उस गांव का मर गया। But there was not even 2% to cry. लेकिन उसके संग उसके लिए दो व्यक्ति भी नहीं थे जो उसके लिए रोए, और उसके दफनाए जाने के लिए कोई वहां पर नहीं था। My friends, don't throw this thing away as a mere story. और मेरे प्रियो, इसे कहानी समझकर आप किनारे ना कर दें, लेकिन एक सच्ची कहानी है। When you have this agape love, जब आपके भीतर ये अगापे प्रेम होगा, you are everybody's man. तब आप हर किसी के दोस्त होंगे, young people's uncle, और हर जवान व्यक्ति के अंकल, all the elderly people's best friend, और सारे जो वयस्क लोग हैं उनके अच्छे मित्र। He is there for everybody at every occasion. क्योंकि वो हर स्थान, हर समय, हर मौके पर हर किसी के संग पाए जाते हैं। He was not jealous of that richest man. और वो उस सबसे धनवान व्यक्ति से जलन नहीं रखता था। If he had been alive, he also would have been there. और अगर वो जीवित होता तो वो उस धनवान व्यक्ति के भी दफनाए जाने की सभा में मौजूद होता, Because he didn't have very many friends. क्योंकि उसके पास बहुत दोस्त नहीं थे। And then in Psalm 37,
और भजन संहिता उसका 37वां अध्याय पहला वचन, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डह ना कर। Do not be agitated by evil doers. Do not envy those who do wrong. It is good to practice the word of God in our life. और ये अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लागू करें। Then in Proverbs chapter 3. और नीति वचन उसका तीसरा अध्याय। Verse 31. और उसका 31वां वचन, उपद्रवी मनुष्य के विषय में ढह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना। 331. Don't envy a violent man or choose any of his ways. A wise instruction. एक बहुत ही ज्ञानवान सिद्धांत। My friends, we have more verses. और वचन है हमारे पास। Turn to chapter 14 of Proverbs. नीति वचन उसका 14वां अध्याय। Verse 30. और 30वां वचन, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। A tranquil heart is life to the body, but jealousy. The difference between feeling jealous and also be at peace with yourself and with the others. और दूसरों के संग और अपने साथ शांति में बने रहें। Let not your heart be troubled by the abundance of an evil man. और किसी दुष्ट या कुकर्मी के बहुतायत से आपका मन जलने ना। You better live as a poor man. And live as a violent man, hating everyone and hated by everyone. तो अच्छा ही होगा कि आप एक गरीब व्यक्ति के रूप में जिए, इसकी बजाय कि कुकर्मी के रूप में जिससे हर एक घृणा करता है। Again, turn to 23, Proverbs 23. नीति वचन 23वां अध्याय, verse 17. और 17वां वचन. Don't be jealous of sinners. Instead, always fear the Lord. तू पापियों के विषय में मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। We look at wicked and sinful people. और हम दुष्ट और पापी लोगों की ओर देखते हैं। They seem to be prospering. और देखते हैं कैसे वो समृद्ध हो रहे हैं। They have better clothes. Their children are healthy and better. For everything. उनके पास अच्छे कपड़े हैं, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, उनके पास हर एक बात अच्छी है। Don't look at those people. ऐसे लोगों की ओर मत देखिए। And feel jealous. और जलन मत करिए। Because if you fear the Lord. क्योंकि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं। And allow the Holy Spirit to pour the love of God into you. और इस बात का अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा इस प्रेम को आपके भीतर भर दे। You will always be kept in absolute peace and very confident of yourself. तब आप हमेशा एक शुद्ध शांति में, एक भरोसे में अपने आप में जिएंगे। Fourthly. चौथा कार्य, Love does not boast. कि प्रेम ठट्टा नहीं मारता या घमंड नहीं करता। What does that mean? इसका क्या मतलब है? That means that kind of love does not brag nor seek recognition. इस प्रकार का प्रेम फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार के पहचान को चाहता है। And you don't seek honor and applause from others. और दूसरों से तालियां या आदर को नहीं चाहता। Don't boast about what you are and what you have. और इस बात पर घमंड ना करें कि आपके पास क्या है और आप कौन हैं। And what you can do. और आप क्या कर सकते हैं। So stay away from the boastful people. और इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अपने आप में घमंड रखते हों। They keep on bragging about what
they are able to do. और वो हमेशा अपने विषय में भलाई बोलते रहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं. And they always seek applause from others. वो हमेशा दूसरों से दूसरों की तालियां चाहते हैं. But always remember. लेकिन हमेशा याद रखिए. When the crowd applauds, it does not mean they are approving you. जब भी भीड़ ताली बजाती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके संग सहमति बर रही है. On the contrary, लेकिन दूसरे हाथ पर love seeks to give. प्रेम तो चाहता है कि वो दे. Instead of receiving, इसकी बजाय कि वो ले. And love always recognizes others and the goodness in others. और प्रेम हमेशा दूसरों को पहचानता है और दूसरों के भीतर जो भलाई या अच्छी बातें हैं उन्हें पहचानता है. Love always seeking to honor someone else. और प्रेम हमेशा इस मौकों को खोजता है कि कैसे वो दूसरों का आदर कर सके. And applaud the other person. और दूसरों के लिए ताली बजा सके, उसकी सराहना कर सके. Instead of seeking these things for yourself. इसकी बजाय कि वो अपने लिए इन बातों को करे. And you know what? और आपको पता है क्या? When you are generous in giving applause and recognition and honor to other people. और जब आप दूसरों को आदर देने में, उनके लिए ताली बजाने में और आदर देने में उदार हैं. Without your knowing it. आपके बिना जाने. The same thing will come back to you in abundance. ये सारी बातें आपके पास ही वापस आएंगी बहुतायत से. Romans chapter 12. रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय. Verse 3. तीसरा वचन. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. Good advice. एक अच्छा परामर्श. What does it say? और वहाँ पर क्या लिखा है? Don't think of yourself more highly than you really are. अपने विषय में आप ऊंचा ना सोचे. My father used to quote this verse very often to us children. और मेरे पिता कई बार हम बच्चों को ये इस वचन को बोलते थे. Don't think of yourself something which you are not. जो अपने विषय में ऐसा मत सोचो जो तुम हो ही नहीं. And then in Philippians chapter 2. And also let us read verse 10 of that same. Romans chapter 12 verse 10. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो. You provoke love. आप प्रेम को आगे बढ़ाते हैं दूसरों में. And let everyone thus give love to others so generously. और होने दे हम दूसरों को बड़ी उदारता के संग प्रेम देने पाए. These are the acts of the love of God. और ये प्रेम के परमेश्वर के प्रेम के कार्य हैं. And so fifthly. पांचवी बात. Love is not proud. याद रखिए कि प्रेम घमंड नहीं करता. That is puffed up. ऐसा जो फूला हुआ हो. Arrogant. या ऐसा जो तिरस्कार करने वाला हो. And conceited. और ऐसा जिसमें दूषित हो. In other words, love does not think or act as though oneself is better above others. इसका दूसरे शब्दों में ये मतलब है कि प्रेम अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं आंकता. Love is modest. और प्रेम जो है भलाई चाहता and humble. और दीन है. And recognize and honors others. और दूसरों को पहचानता और दूसरों का आदर करता है. That is what love in me must do. और इसी बात को मेरे भीतर जो प्रेम है उसे करना है. Not seeking any of these things for myself. अपने लिए इन बातों को नहीं. I must learn to give the same honor, recognition, and applause generously to others. लेकिन बड़ी उदारता के संग वही आदर और उदारता मुझे दूसरों के लिए भी देना है. And it is an amazing, amazing thing how much
will come back to you in abundance. कि कितना ज्यादा आपके पास बहुतायत से वापस लौटेगा. And love, as I said, is a modest and humble and recognizes and honors others. जैसा मैंने कहा, प्रेम नम्र है, दूसरों का आदर करता है, दूसरों को पहचानता है. Matthew chapter 18. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय. What does it say? 18वां अध्याय 14वां वचन. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Here it says, anyone who becomes like a small little child. यहाँ पर लिखा है, अगर कोई छोटे बच्चे के समान बन जाएगा, तब उसका परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा भाग होगा. And that's why children has a very special place in the heart. इसीलिए यीशु के हृदय में बच्चों का एक खास स्थान था. Luke chapter 14. लुका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय. Verse 10. उसका 10वां वचन. पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है वह आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी. You are invited to a big, big event. और मान लीजिए आपको एक बड़े समारोह में बुलाया जाता है, and a big party. एक बड़ी उत्साह में या पर्व में. What Jesus is saying, जो यीशु यहाँ पर कहता है, you know, when such invitation goes, it goes out to all kinds of people. जब ऐसा एक नियोता जाता है तो हर प्रकार के लोगों के पास पहुँचता है. Rich people, अमीर लोग, middle class people, और मध्य स्तर लोग, and, poor people, और गरीब लोगों के पास भी, highly educated people, और जो उच्च रीति से शिक्षित है, और ऐसे जो अशिक्षित है, और महत्वपूर्ण लोगों के पास, ordinary people, साधारण लोगों के पास, हर किसी को न्योता दिया जाता है. यीशु कहता है, no matter which category people you are from, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से समूह में आते हैं. Don't seek for the most important seats right in front. सबसे महत्वपूर्ण स्थानों को, जो सबसे आगे होते हैं, उन जगहों पर ना बैठे. You may be rich. आप अमीर या धनवान हो सकते हैं. Or you may be somewhat important person. या आप महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकते हैं. But seek the lowest, the back of seats somewhere. लेकिन सबसे पीछे. You are not very noticeable. और सबसे ऐसे स्थान को चुनिए जहां आप पर कोई ध्यान ना दे. But if you find one of the best seats right in front, और मान लीजिए सबसे अच्छा स्थान अगर आपको सबसे आगे मिल जाए, then someone more important may come. तब हो सकता है कोई और महत्वपूर्ण आ जाए. So the host may come to you with that person, friend, you stand up and you can sit at my feet or you can sit behind him. या नेता देने वाला आएगा और कहेगा कि मित्र खड़े हो जाओ और मेरे पीछे या मेरे नीचे बैठ जाओ. Then you are humiliated. तब आपकी बेइज्जती होगी. But if you are sitting in a low place. लेकिन मान लीजिए आप सबसे पीछे बैठे हैं. And there are seats available right in front. और वो आगे स्थान खाली है. Your host may come to you, friend. Why don't you move forward? तब आपका नेता देने वाला आपके पास आएगा और कहेगा, मित्र तुम आगे क्यों नहीं आते? Jesus is teaching us these principles which can operate only by that love. और यीशु हमें ऐसे सिद्धांतों को सिखा रहा है जो सिर्फ प्रेम से चलाए जा सकते हैं. Love is never proud. और प्रेम कभी घमंड नहीं करता, फूलता नहीं. And again Luke chapter 22 verse 26. और लुका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 26वां वचन. वे लोगों के सामने इस बात में उससे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर में अचंभित होकर चुप रह गए. लुका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 26वां वचन. परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने. But it must not be like that among you
On the contrary, whoever is greatest among you must become like the youngest, and whoever leads like the one who serves. In other words, Jesus is teaching that a proud person is not highly esteemed in the eyes of general public. दूसरे शब्दों में यीशु ये सिखा रहा है कि एक ज्यादा आदर मांगने वाला व्यक्ति लोगों के सामने उसका आदर नहीं होता है. In 1 Peter, Apostle Peter says, chapter 5, verse 5. पहला पत्रस उसका पांचवें अध्याय में पत्रस इस प्रकार कहता है. पांचवा अध्याय पांचवा वचन. इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. God always lift up the humble. और परमेश्वर हमेशा जो दीन है उन्हें उठाता है. God does not appreciate a proud person. और याद रखिए, परमेश्वर घमंड करने वाले व्यक्ति को से आनंदित नहीं होता. This is what Peter says in 1 Peter chapter 5 verse 5. उस बात को पहला पत्रस में पांचवा अध्याय पांचवें वचन में पत्रस कहता है. Likewise you younger men be subject to the elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, because God resists the proud but gives grace to the humble. This is a very famous saying. और ये एक बड़ी ही प्रसिद्ध बात है. And it is true. और ये सत्य है. God resists certain people. कि परमेश्वर कुछ लोगों के प्रति उन्हें रोकता है. And one of the people whom he resists are those who are proud. और ऐसे लोग जिनको वो रोकता है उनमें से एक व्यक्ति का समूह है वे जो घमंड करते हैं. And he resists them. और ऐसे लोगों को वो रोकता है. But he gives grace to the humble. लेकिन वो जो दीन है उन्हें अनुग्रह देता है. God's grace. और परमेश्वर का अनुग्रह. Will lift the humble. वो दीनों को ऊंचा उठाएगा. So Peter says. और इसलिए पत्रस कहता है. In front of the elders. उन प्राचीनों के बीच में. You stand and show your respect. आप खड़े हो और अपने आदर को दिखाएं. Don't be too proud to keep on sitting. और इतना घमंडी ना हो कि आप बैठे रहें. When an elder comes in. जब कोई बड़ा आपके सम्मुख आए. And in all these actions, God has His blessing. और इन सारे कार्यों में परमेश्वर के पास अपनी आशीष है. Or His curse. या उसका श्राप. And He wants people to receive His blessing rather than His curse. और वो चाहता है कि उसके लोग उन आशीषों को पाएं इसकी बजाय उस श्रापों को लें. Now sixthly, छठी कार्य, love is not rude. और प्रेम झुझलाता नहीं या अनरीति नहीं चलता. Rude here means unbecomingly. और यहाँ पर जो शब्द है रूड उसका मतलब है अनरीति से नहीं चलता. Indecently. या ऐसा जो unmannerly, ऐसा जिसमें कोई स्वभाव सही ना हो. Disgracefully, ऐसा जिसमें कोई अनुग्रह ना हो. These are the meanings that is in this word expression. और इस वाक्य का यह शब्द का मतलब यही है. Rude, जिसका मतलब है अनरीति. The very sound of that word, it doesn't sound pleasant to our ears. और उस शब्द का जो शोर है या आवाज है वो हमारे कानों में ही अच्छी नहीं लगती. You know, talk about indecent. और जब आप बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अनुचित रीति से है, no manners, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वभाव नहीं, गुण नहीं, disgracefully, ऐसा जिसमें किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं. Love is orderly. लेकिन याद रखिए, प्रेम सुचारू है. And controlled. और नियंत्रित है. And love behaves and treats all persons with respect. और प्रेम हर एक व्यक्ति के साथ और हर व्यक्ति को आदर के संग व्यवहार करता है. Honoring, respecting who they are. और सबका आदर करता है
हसद का सम्मान करता है ये जानते हुए कि वे कौन है। Philippians chapter 1 verse 10 और फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और दसवां वचन, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। So that you can determine what really matters and can be pure and blameless in the day of Christ. Remember, we all have to stand before the judgment seat of Christ. याद रखिए, हम सबको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना है। And then, how will you fare and how will I fare? तब मैं और आप कैसे दिखेंगे? 2 Thessalonians chapter 3 और दूसरा थिस्सलुनियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और सातवां वचन verse 7, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। Yes, it says here, for you yourselves know how you must imitate us. We were not irresponsible among you. In other words, Apostle Paul says that he and his companions behaved very responsibly in the fear of the Lord and in the love of God. दूसरे शब्दों में पॉलुस स्पिरिट ये कहता है कि वो और उसके साथी सहकर्मी कभी भी घमंड में नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के संग व्यवहार करते हुए परमेश्वर के भय को मानते हुए उन्होंने काम किया। And seventhly, और सातवां कार्य, this will be our last point today, और आज के दिन के लिए हमारा आखिरी, and I hope you are learning something about this description of love. और मेरी आशा यही है कि आप प्रेम के इस वर्णन के विषय में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। We are considering that in this passage, the entire passage talks about the acts of love. What does love do? और वचन का ये भाग बात करता है प्रेम के कार्यों के विषय में कि प्रेम क्या करता है। And love, what does not love do? और क्या प्रेम नहीं करता? The seventh thing is, love is not self-seeking. और सातवीं बात ये है कि प्रेम स्वार्थी नहीं होता। Self-seeking means selfish. और इस या खुद का भलाई चाहने का मतलब है स्वार्थी होना। It does not insist upon its own rights. और अपने अधिकारों के ऊपर दबाव नहीं बनाता। Ignoring the feelings and the needs of others who may be in the company. और हो सकता है दूसरों की जरूरतें और उनकी इच्छाओं को दबाते हुए जो उसके संग हो। But you insist on your ideas, your right. आप अपने विचार और अपने अधिकारों को थोपना चाहते हैं। What you want? आप क्या चाहते हैं? And genuine God's love does not behave that way. और परमेश्वर का सच्चा प्रेम इस रीति से व्यवहार नहीं करता। Love is not focused upon who one is. और प्रेम इस बात पर नहीं देखता कि एक क्या है। Nor upon what one has done. ना ही इस पे कि एक के पास क्या उसके एक ने किया है। The attitude of Jesus in his earthly life was, I have not come to be served, but I have come to serve. और यीशु अपने पृथ्वी पर जब उसने समय बिताया उसका स्वभाव यह था कि मैं सेवा कराने नहीं लेकिन करने आया हूं। Who is Jesus? और यीशु कौन है? He is the eternal God. वो अनंत का परमेश्वर है। He is the creator. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। The world, the earth and all its fullness actually belong to him. अब वो पूरा पृथ्वी अपनी पूरी पूर्णता और संपूर्णता में उसी का है। And yet when he came down to live as a man. और लेकिन फिर भी जब वो नीचे आया देहधारी हुआ एक मनुष्य के रूप में। He says, I did not come here to be served,
but to serve you. वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा कराऊँ, लेकिन आपकी सेवा करने. And then, in another occasion, Jesus told his disciples. दूसरे स्थान पर यीशु ने अपने चेलों से कहा. I was with you and I was among you as the one who served. मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे संग रहा एक ऐसा बंद का जिसने सेवा करी. Now who is greater? अब महान कौन है? The one who serve or sit at the table? वो कौन जो मेज पर बैठता है या जो उसकी मेजबानी करता है? Certainly the one who sits at the table. और हाँ, वो जो मेज पर बैठता है. But he was the one who served. लेकिन वो व्यक्ति बन गया जो सेवा कर रहा. And my friends, Jesus sets an example for you and me. और मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे और आपके लिए उदाहरण को बनाता है. Love seeks to serve. और प्रेम दूसरों की सेवा करता है. Love is acknowledging others, not insisting that others acknowledge oneself. और प्रेम दूसरों को पहचानता है और ये दबाव नहीं बनाता कि दूसरे उसे पहचाने. It is giving to others. और वो दूसरों को देता है. Not wanting others give to him. और ये चाहते हुए कि दूसरे उसे ना दें. And that is the way we must live among and with people. और इसी तरीके से हमें लोगों के बीच और लोगों के संग रहना है. 1 Corinthians 10:24. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 24वां वचन. कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे. You seek the good of not only yourself but the good of others. आप अपनी नहीं लेकिन दूसरों की भलाई को ढूंढें. That's what the message. और यही संदेश है. Proverbs 3:31. Philippians 2. फिलिपियों की पत्री उसका 2वां अध्याय. Verse 4. और 4वां वचन. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे. Everyone must not think of only about himself, but what others need, what others' problems. And we become so selfish and self-centered that we have no sympathy for the needs or problems of others. और हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि दूसरों की जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति हमारे अंदर कोई भी भावना नहीं है. And so here is the acts of love. और यहाँ पर हम प्रेम के कार्यों के विषय में बात करते हैं. There are 8 more. और 8 और कार्य बचे हैं. And next Wednesday we shall go through. और अगले बुधवार को हम उस पर अध्ययन करेंगे. This is the love. Agape love. और यही अगापे प्रेम है. This is what Jesus did. और इसी को यीशु ने किया. He came to do what he preached and what he taught. वो आया ताकि उन बातों को करे जिसको उसने प्रचार किया, जिसकी उसने घोषणा करी. And I pray. और मेरी प्रार्थना ये है. That all of you who have been listening today. और आप सब जो हमें आज की शाम सुन रहे थे. You will ask the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे. Dear friends, it is the Holy Spirit who shed abroad our souls the love of God. मेरे प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा ही है जो पवित्र यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया. And the Holy Spirit pours out His God's love into our hearts. और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में भरता है. By our own effort, we will not be able to love this way. और हम अपने प्रयत्न के और अपने परिश्रम के द्वारा इस संसार से प्रेम नहीं कर सकते. And therefore, Lord, we stand before you. और इसलिए प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े होते हैं. We pray that the Holy Spirit will pour out His love, God's love, into our hearts. और होने दे पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में उड़ेले. That we shall grow in love. And loving others. ताकि हम प्रेम में बढ़े और दूसरों में के लिए प्रेम में बढ़ने पाए. And I pray that those who heard tonight and those who will be hearing this teaching whenever they have time. और प्रभु हमारी प्रार्थना है जिन्होंने आज की शाम इस शिक्षा को सुना या जब कभी भी इसे सुनेंगे. That this lesson will bless their hearts. उन्हें ये शिक्षा उनके हृदयों को आशीषित करने पाए. And we all will be filled with your love. ताकि हम सब आपके प्रेम से भरने पाएं.
And thus we shall be a mighty witness ताकि हम एक सामर्थी गवाह बनने पाए for the glory and honor of God परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए may we be people who seek the honor and good things for others उन्होंने हम ऐसे लोग बने जो दूसरों का आदर और भलाई चाहते हैं that others may be blessed by our life and our life's attitude हमारे जीवन से और हमारे स्वभाव से प्रभावित होने पाए thank you jesus धन्यवाद यीशु may your name be glorified उन्होंने आपका नाम महिमा पाए for god is love क्योंकि परमेश्वर प्रेम है jesus is love और यीशु प्रेम है and the holy spirit is love और पवित्र आत्मा प्रेम है that's the triune god is love और त्रिएक परमेश्वर प्रेम है and i thank you that it is possible for us once we allow the holy spirit to control our life aur ye hum dhanyawad dete hain kyunki ye sambhav hai jab pavitra atma ko hum apne jeevan par niyantran dete hain thank you dhanyawad in jesus name yeshu ke naam mein amen